फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा, द लैंड ऑफ बुद्धा। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी अमेरिका में थी और इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे भारत में भक्तों को गहरा सदमा लगा है और खास करके कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों को तो तीखी मिर्ची ही लग गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीता अंबानी ने अमेरिका में ऐसा क्या कह दिया। उन्होंने एक ही लाइन कहा है और वो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में, तो निश्चित तौर पर बिना देरी किए हम सबसे पहले आपको वो वीडियो ही सुनाने वाले हैं और उस लाइन को जरा गौर से सुनिएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि भक्तों को सदमा लग क्यों रहा है। देखिए ये वीडियो। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। तो सुना आपने, नीता अंबानी ने कहा गुड इवनिंग, आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। मतलब वो बुद्ध की धरती से आई हैं, वो हिंदू राष्ट्र से नहीं, वो बुद्ध की धरती से आए हैं। और ऐसे में जो भक्त दिन रात चीख चिल्लाकर नीता अंबानी को फॉलो भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करते हैं, मुकेश अंबानी को फॉलो करते हैं और उनसे या उम्मीद करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर भी वो इंडिया को हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा तो हुआ ही नहीं। अमेरिका में नीता अंबानी ने लैंड ऑफ बुद्धा कहा, लैंड ऑफ हिंदू राष्ट्र नहीं कहा, और इसी कारण से भक्तों को गहरा झटका सा लगा है, क्योंकि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर रोज ये लोग जहर उगलते हैं, नफरत बांट रहे होते हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे होते हैं, माइनॉरिटी पे हमले किए जाते हैं। और अभी जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसको लेकर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां के सांसद ने भी यह कह दिया कि यह धर्म से जोड़कर ही वहां पर हिंसा किया जा रहा है, सब कुछ पूरे प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले भारत में माइनॉरिटी को देखना नहीं चाहते। तभी तो मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है, तो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ही क्यों ना हो, हर किसी ने इतने दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मोदी जी तो कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं समझते थे, खैर वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात उठी तो। लेकिन यहां नीता अंबानी ने जो झटका दिया है उससे भक्त एकदम से सदमा में चले गए और कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन तो यह सोच रहे हैं कि भगवा पहनकर जितना हम नारा लगाते फिरते हैं, हिंदू राष्ट्र करते हैं कि भारत में रहना है तो श्री राम कहना पड़ेगा, तो उन लोगों को तो विदेश में झटका लग गया ना। अगर बात तो तब सही होती है जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी नीता अंबानी जैसी शख्सियत वहां कहती कि आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ हिंदूज, तब समझ में आता। वो ये कह भी नहीं सकती हैं क्योंकि भारत के संविधान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमारा देश इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, वो एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर एकता और भाईचारा ही उसके संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। नीता अंबानी यहां भारत के संस्कृति को लेकर भी चर्चा कर रही थी। अमेरिका में उन्होंने युवाओं की तारीफ की, भारतीय संस्कृति को वहां उनके सामने रखा, ये सब कुछ हुआ है और कहीं भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र का राग नहीं आलापा। तो ऐसे में अब भक्तों में घोर निराशा है कि उन्हें लगा कि अमेरिका में नीता अंबानी गई हैं, कहा जाता है सोशल मीडिया पर कि भक्तों की भौजी कहलाती है। खैर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, जिनके लिए जो सम्मान है वो सम्मान है। नीता अंबानी ने जिस भारत का प्रतिनिधित्व इस वक्त अमेरिका में किया है उससे शायद भक्त इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें पसंद नहीं कि लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाए। और भारत में बुद्धा को मानने वाले अंबेडकरवादी जितने भी लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो सब इससे खुश हैं। उन्होंने कहा कि आप अंबेडकर के विचारों को, बुद्ध के विचारों को आप दरकिनार नहीं कर सकते, दुनिया इसका लोहा मानती है। और भारत की चर्चा होगी तो बुद्ध की चर्चा निश्चित तौर पर होगी और वही नीता अंबानी ने अमेरिका में किया, तो ऐसे भक्त एकदम से कोमा में ही चले गए हैं। दलित वॉइस ने इसे शेयर किया तो उसके बाद भारत विद्रोही नाम के ट्विटर हैंडल से भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक ट्वीट हुआ।
इसमें लिखा हुआ है, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन ही गोज टू अमेरिका सेज दैट वी कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा नॉट वॉर ही कम्स बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट्स अ वॉर अगेंस्ट बुद्धा। भारत विद्रोही ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भी भारत से बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि मैं उस भारत से आया हूं जहां जिसे बुद्धा की भूमि कहा जाता है, द लैंड ऑफ बुद्धा। वो ये नहीं कहते कि मैं भारत से आया हूं जो युद्ध की धरती कही जाती है, जहां नफरती तत्व जो है समाज में घूम रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, मैं उस धरती से नहीं आता हूं। इन चीजों को छुपाते हैं। भले ही प्रधानमंत्री मोदी से कोई तीखा सवाल पूछ देता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके हित के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे, तब वो लोकतंत्र पर भाषण देते हैं और कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा यह सरकार खूब कर रही है और भारत बहुत सुरक्षित है, वो बोल आते हैं। लेकिन यहां पे जैसे ही वापस अमेरिका से लौटते हैं, इनका कहना है कि वो इंडिया जैसे ही लौटते हैं और यहां बुद्धा के खिलाफ ही जंग छेड़ दी जाती है, युद्ध शुरू कर दिया जाता है बुद्धा के खिलाफ, बुद्ध के विचारधारा के खिलाफ, जहां पर तमाम धर्मों से ऊपर उठकर सोचा जाता है। तमाम जो दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, वो लगातार एक एक करके हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, जिसे खुद अंबेडकर साहब ने अपनाया। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब खबरें आती हैं कि आज इतने हजार की संख्या में दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और यहाँ द लैंड ऑफ बुद्धा नीता अंबानी भी कह रही है। तो वैसे में जो कट्टरपंथी सोच वाले नफरती तत्व हैं, खास करके यही भक्त गैंग, भगवा गैंग, जो लगातार हिंदू राष्ट्र चीखते हैं, चिल्लाते हैं, देश में भगवाकरण करने के लिए मस्जिदों को मंदिर बताते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होता है, कार्बन डेटिंग कराए जाते हैं, जितने भी मस्जिद हैं विवाद खड़ा करके उसमें ताला लगवा दिया जाता है, ये सब करने वाले सोचते हैं कि फिर से वापस यहां मंदिर बना दिया जाए। तो ऐसे में ये इनके सोच पर ही सवाल खड़े होते हैं कि देश में जो चीजें घटित हो चुकी हैं, जब जिस पर कानून बन चुका है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट तैयार हो चुके हैं, उसमें कहा गया है कि आजादी के बाद जो है, आजादी से पहले की बनाई हुई चीजों पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, 1947 में जो मंदिर चाहे अलग अलग धार्मिक स्थल जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे, फिर भी इसमें छेड़छाड़ की जा रही, क्यों? हिंदू राष्ट्र का सपना। लेकिन क्या भारत के उद्योगपति, उनकी फैमिली, क्या प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर इस तरीके की बातें करते हैं? नहीं करते, वो हिंदू राष्ट्र का भी नाम नहीं लेते, वो सीधे द लैंड ऑफ बुद्धा कहते हैं। अब इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं, जो भक्त चीखते चिल्लाते हैं, जो माहौल बनाते हैं, नफरत बांटते हैं, उन्हें सदमा नहीं लगेगा तो क्या होगा। अब इसी को लेकर एक बहुत ही अच्छा ट्रोल है, और मीम्स कह सकते हैं आप इसे, इसे लोग शेयर भी खूब कर रहे हैं, स्लेयर नाम के ट्विटर हैंडल ने ही शेयर किया है, इसमें अपने स्क्रीन पर देखिए, यहां दिखाया जा रहा है कि भगवा पगड़ी बांधे हुए, भगवान राम का एक बैज लगाए हुए एक लड़का टीका लगाए हुए चीख रहा है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, ये इंडिया में होता है, भगवा टाइगर्स इन यूपी, इन्होंने यूपी को चुना है, जो भगवा बाघ हैं वो देखिए यूपी में क्या कहते हैं, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा, पेपे पोपो कहना होगा, नाम मिटा दो बाबर का, ये भारत में यूपी में कहा जाता है। और जैसे यही भगवा टाइगर जो है यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो वहां क्या होता है, वी इज पीसफुल इंडियंस, इन्होंने अपने मीम्स बनाए हैं तो कुछ जो गलतियां हैं सो हैं, वी आर फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा हिंदू फोबिया, ये तमाम ऐसी बातें आपको इसमें दिखाई जाएंगी, प्लीज से बस वी इज विक्टिम सार, ये मतलब कि एक टॉन्ट है, लेकिन इसमें मैसेज साफ है कि भारत में नफरत बांटो और विदेश में जाकर अपने छवि चमकाओ, चाहे फिर वो नीता अंबानी जब द लैंड ऑफ बुद्धा कहती है, तो ऐसे तमाम संघियों को, तमाम कट्टरपंथियों को एक झटका सा लगता है कि हिंदू राष्ट्र को रिप्रेजेंट वहां करने गई है या द लैंड ऑफ बुद्धा बोलकर इनका मजाक उड़ा रही है, तो सदमा ही तो लगेगा, हिंदू राष्ट्र पर तो पलिता ही लगा दिया गया है नीता अंबानी के द्वारा, भक्तों को टेंशन हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।